ये किरण का फेवरेट आइटम है सर, फ्राई फ्राई आधा। सही है। Insane man, this is next level. गणपति बप्पा, क्या बात है। One of the best fish thai in coconut milk. Wow. And it has shrimps and nice prawns and very nice. So मैं इसके लिए कंसंट्रेशन में हूँ। सैल्मन स्टिक है यहाँ पे, वो मेरा है, वो मैंने मंगाया था। ये कितना बड़ा है पता है, इसने मंगाया था। हेलो एवरीवन, मस्त स्लीप 17 घंटे के ट्रैवल के बाद में। ऐसा लग रहा नहीं था कि थके, लेकिन जो सोए ना, मतलब सोए नहीं, लेटे थे। हाँ, बस लेटे थे। सिर्फ मैं एडिटिंग कर रही थी। भैंस और घोड़े और सबको मिलाकर जो सोते ना, वो सोए हम। सबको बेच के सोए हम लोग। तो अभी थोड़ा हम लोग बुरीराम सिटी एक्सप्लोर करेंगे। yes. तो देयर आर फ्यू लाइवली प्लेसेस ऐसे अर्जुन ने बताया है, सो ही इज टेकिंग अस टू दोस प्लेसेस एंड विल सी कि कैसा है, हाउ इज इट, बताएंगे सब कुछ। जो भी हम लोग देखेंगे वो आपको बताएंगे। यस, चलो। वेदर एकदम मुंबई जैसा है, मुंबई से भी ज्यादा ये है, मुंबई से भी ज्यादा गर्म है। इधर का हीट है ना, एक्चुअली मैं फील हो रहा है कि हीट है। अगर कोई प्लान कर रहा है थाईलैंड आने का, तो बेस्ट मंथ आई वुड सजेस्ट जनवरी होगा। जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन थाईलैंड, तो वो टाइम पे आ सकते हो। सनसेट यहाँ पे, ये सनसेट मस्त लग रहा है। सो आज का प्लान अभी तो कुछ नहीं है, अभी आप लोगों ने रेस्ट किया। अभी हम लोग यहाँ से रॉबिन्सन एक मॉल जाएंगे, एक छोटा सा मॉल है और छोटा सा बहुत शहर है। आई टेक यू अराउंड, आई शो यू अराउंड। सो लेट अस एंजॉय द इवनिंग नाउ। Yes. Let's go. Let's go. Chalo. Walking broke up in days 42,000 baht है, तो बात मतलब into 2.2 कर लो, around 85-90,000 के अंदर। सही है। हाँ, मेरा नेक्स्ट आईफोन यही से। हाँ, यहाँ पे आके ले लेंगे। समझाओ फाइनली उसको। नहीं समझा। गूगल ट्रांसलेट करके। लैंग्वेज इश्यूज अ लॉट गाइस, बहुत ज़्यादा है, तो एक्शन से भी नहीं। अभी हम लोग को चाहिए था कि गाने का बेस बजाओ, गाने का एक अच्छा बेस बजाओ। ये हम लोग है ना 4 घंटे से समझा, नहीं समझा, फिर लास्ट के 1 घंटे में हम लोग ने ट्रांसलेट करके सुना, तो बोलते हैं चो फुफ फुफ वेट आई विल शो यू। तो डिनर से पहले थोड़ा इधर हम लोग थक लेंगे, रेस्ट किया है तो मॉल घूमना। मुंबई का मॉल घूम के, मतलब हम लोग मुंबई के मॉल में भी ना जाए, ऐसे है हम दोनों। और यहाँ पे तो रश भी नहीं है, रश भी नहीं है। दिस इज रियली गुड, बट मॉल इज समथिंग नॉट गुड फॉर अस। बच्चे लोग से कम नहीं है। क्रिसमस इज अराउंड द कॉर्नर गाइस, सो ब्यूटीफुल। ये पूरे हाँ, स्पेशली ये सारे एरिया में ना, हर जगह, हर मॉल, हर जगह पे अभी तुझे ये एक्सेस फ्री मिलेगा। घर तो नहीं तोड़ती। नहीं। मुझे यहाँ पर 2 चीज़ बहुत अच्छी लगी है। पहली चीज़, पुलिस कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा, बट स्टिल पीपल फॉलो रूल्स। आज मैंने एक भी जन को ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए नहीं देखा है, सो दैट्स द बेस्ट थिंग गाइज। सेकेंड थिंग, कोई भी हॉर्न नहीं बजाता है। मैंने हार्डली सुबह से अभी तक हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनी है। तीसरी अच्छी चीज़, बादल यहाँ पर ड्रामेटिक है। जैसे हमें लद्दाख में दिखती, पता है, ऐसे एक चंक ऑफ बादल ऐसे प्लेस्ड है, उस तरीके से यहाँ पर बादल दिख रही है। मतलब दोपहर को, शाम को, रात को भी अभी द स्काई वॉज सो ड्रामेटिक एंड ब्यूटिफुल। आई मीन यहाँ पर एक चीज़ तो सचिन समझ ले कि राइड करनी है यहाँ पर। yes, अपन इन कमिंग फ्यू मंथ्स या फिर नेक्स्ट ईयर या कभी भी यहाँ पर एक राइड तो बनती ही है। यस, फॉर श्योर। यस, एंड टॉकिंग अबाउट द वीज़ा कॉस्टिंग, आई थिंक सचिन फाइनेंशियल थिंग्स। तो वीज़ा ऑन अराइवल है यहाँ पे, बैंकॉक में आते, अब थाईलैंड में आते तो 2000 थाईलैंड बात है कॉस्ट उसकी, बट यहाँ पे 2200 लेंगे आपसे और रिसिट आपको 2000 की आती है। तो ये झोल हर जगह पे चलता है, तो जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू दैट इन्फॉर्मेशन। तो 2000 का वो है, एंड जो सिम कार्ड है वो काफ़ी अफोर्डेबल मुझे लगा। 350 रुपीज़ में 7 दिन का अनलिमिटेड इंटरनेट है, एंड द स्पीड इज़ अमेजिंग। हम लोग मॉर्निंग से यूज़ कर रहे हैं, इतना फटाफट स्टोरीज पोस्ट जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, हम लोग फटाफट हो रहा है। आपको यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे जैसे किरण ने जो भी बोला सब वो अच्छा लगा। एंड मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ और लगा कि यहाँ के लोग बहुत स्माइली है। लैंग्वेज बैरियर है बट फिर भी दे आर हेल्पफुल एंड स्माइली मतलब एटीट्यूड बहुत मस्त है। और ट्रैफिक भी कम है। ट्रैफिक कम है, वो जो चीज़ें हैं वो तो है ही। ट्रैफिक कम है, रोड्स अच्छे हैं। 400 किलोमीटर इतना मतलब हम लोग थकने के बाद भी लगा नहीं कि 400 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो बहुत सही लगा। और सीट भी लुक सो कंफर्टेबल। क्या मस्त मस्त सीट रहेगा ना, सीट लुक सो कंफर्टेबल। ये देख, ये और इसका हैंडल देख, क्लासिक हैंडल मस्त है, क्लासिक टाइप है। हाँ, बाइक जैसा है ना, कंफर्टेबल है। खजाना मिल गया इधर ना, खजाना है। ये ब्लू वाली देख, किरण सी दिस वन कावासाकी। हां वाओ, सही है। वाओ, दिस इज सो टॉय, इनसेन मैन, दिस इज नेक्स्ट लेवल। कावासाकी का पॉकेट बाइक काइंड ऑफ लाइक वेरी स्मॉल, जैसा यहां पे आता है ना होंडा, वो नावी है ना, समथिंग ऑन दैट लाइन। होंडा की नावी है ना, उसके जैसे हम लोग वहां ये वाली थे क्या, और होंडा की। वो जाने का मुझे बहुत अच्छी लगी। स्कूटर्स को देख के इतना एक्साइटमेंट हुआ कभी नहीं हुआ आज तक लाइफ में। अपने इधर क्या एक्टिवा वही सब दिखती है यार, ये क्या भागी यहाँ पे, और ये क्या स्टेबल रहेगी। हाँ, यार मतलब हाईवेज पे, और दिख कितनी प्यारी रही है ये। यहाँ के लोगों का ये और एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पे पिकअप ट्रक्स इतने दिखते हैं ना, वी क्रॉस है, फिर ईसूजू की डी मैक्स, वी क्रॉस, फिर फोर्ड के रेंजर वगैरह, धमाल ट्रक्स है। ऐसे ना, ऐसे बुरी नज़रों से हम लोग है ना, जिस तरीके से लोगों को नहीं देख रहे ना ये लड़के यहाँ के, उतने बुरी तरीके से मतलब बाइकर्स थिंग, जस्ट बाइकर्स एंड ऑटोमोबाइल जिसको प्यारा होता है ना, वो लोग गाड़ियों को इसी तरीके से देखते हैं। नाइस मैन। यहाँ पे करेंगे थोड़ी सी पार्टी, so we gonna lose ourselves. Let's lose. तो राइड में जा रहे हैं हम लोग, क्या होगा यहाँ पे कहीं, we will get lose हो जाएंगे। तो यहाँ पे कार बुकिंग का ऐप है, ग्रैब करके है। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू थाईलैंड तो ग्रैब, ओला उबर नहीं चलेगा, ग्रैब चलेगा यहाँ पे, ग्रैब। तो और अच्छा है यहाँ पे, अगर 3 मिनट्स बताया, 4 मिनट्स बताया है, और वो टाइम पे अगर कैब नहीं आती मैंने फ्री राइड। या नाइस। ये किरण का फेवरेट आइटम है सर, फ्लाई फ्राई। आधा किलो खा लिया इसने ऑलरेडी। ये मार्केट अच्छा है, मतलब किरण ने आने से पहले पढ़ के रखा था ना तुमने, लाइवली मार्केट है यहाँ पे, सर संभालना ना। गणपति बप्पा, क्या बात है। सो गाइस, ये अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। किरण ने किया हुआ है, चाइना में गई थी वो, शंघाई गई थी, सेम लेन गाइस, ऐसे टाइप का ही। हाँ, yes. उसके तो बाद हम लोग वुशी भी गए थे, बट शंघाई में ऐसा ही मार्केट है। हाँ, और सेम मतलब जैसे ना वो मतलब यहाँ पर तो फ्लाई फ्राई बहुत ज़्यादा वेराइटी में, वहाँ पर 1-2 वेराइटीज ही देखे थे मैंने, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की वेराइटीज देख रही हूँ ना गाइस, टेंशन आ रहा है। और ये मार्केट बाकी है, बहुत बाकी है। ये भी कुछ है। हाँ, निशान तेरे लिए लेकर आई क्या ये? अरे इसके घर में 6-7, इसके पास 6 फिश टैंक उसके घर में। गुड नाइस, राइट साइड जगह हॉप कर रहे हैं। मोहम्मद अली रोड था, ये बैंड्रे है। लाइफ से है ना कोई पार्टी ओवर। चलो पार्टी ओवर। आज का दिन बहुत ज़्यादा मस्त रहा। मुंबई से थाईलैंड आए यहाँ पे बुरीराम में, और यहाँ पे हम लोग ये हाथी चौक बोल रहे हैं हम लोग ये जगह को। ये लोग ना हर चीज़ को देसी बना दिया। होटल में जाते तो बोलते हैं छोले भटूरे लगा दो यार एक दो। बैकग्राउंड में तो आप देख रहे हैं इतना ब्यूटीफुल है, मेरे जो सामने है उसका भी नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। सीरियस वो हाथी मतलब बहुत सही लगे, ब्यूटीफुल। हाँ so that's all about today's video. Yes, I mean it was बहुत मस्त वाला दिन। वो कौन सा एलिफेंट चौक बना दिया था हाथी चौक बड़ा अच्छा था, बहुत मजा आया वहाँ पर यार। वो लाइटिंग जैसी बहुत सारी देखकर एंड वेरी सटल लाइटिंग है ना, वेरी नाइस। सो असली काम और असली मज़ा कल से चालू होने वाला है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। Just witness the crash. ऊपर से चला गया, दो बाइक गिरे।